सो गाइस आईपीएल 2021 का सेकंड फेज जो स्टार्ट होने वाला है वो 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन गाइस आप सभी के लिए इस वीडियो में भर के खुशखबरी पड़ी हुई है, एक नहीं बल्कि दो बड़ी खुशखबरी है जिसे सुनने के बाद आप सभी फैंस खुशी से पागल होने वाले हैं। क्योंकि गाइस आईपीएल का बिल्कुल बच चुका है लेकिन फाइनल इंग्लैंड के खिलाड़ियों पे अंतिम रिपोर्ट आ चुकी है जिससे मैं लगातार जो चीज कह रहा था वो अंतिम में हो चुकी है। और साथ में चेन्नई के कैंप जो कि टीम रहने वाले वो यूएई रवाना होने वाले उसकी एक लास्ट और एक अच्छी डेट भी आ चुकी है वो भी बताने वाला हूं। सो गाइस ये वीडियो अभी लेके पूरा एंटायर एंटर देखिएगा और गाइस इस खुशखबरी के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होगा। सो गाइस इस वीडियो को अभी से चिपक जाइए। सो गाइस फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहली जो न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है इंग्लैंड के खिलाड़ियों के उपलब्धि पे लेके। अब आप सभी लोगों को लग रहा था, सभी लोग हमसे लगातार सवाल पूछे थे क्या भाई इंग्लैंड के खिलाड़ी उपलब्ध रहने वाले हैं, क्या अवेलेबल रहने वाले हैं सेकंड फेज के लिए। मैं लगातार कहता था हाँ रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे काफी लोग कह रहे थे भाई आप कह रहे हैं कि नहीं रहने वाले हैं, बाकी चैनल वाले कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी नहीं रहने वाले हैं। सो गाइस मैंने आपको बात कही थी कि यहाँ पे ये खिलाड़ी उपलब्ध रहने वाले हैं और गाइस फाइनली आप ये न्यूज देखिए, यहाँ पे एएनआई का यहाँ पे न्यूज देखिए, इनसाइड स्पोर्ट का न्यूज देखिए, केविन पीटरसन का बयान देखिए, सब तरफ से एक चीज यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल 2021 के लिए रहने वाले हैं। हाँ गाइस आईपीएल 2021 का जो सेकंड फेज होने वाला है जो सितंबर में होने वाला है वहां पे सब के सब जो इंग्लैंड के खिलाड़ी रहने वाले हैं वो उपलब्ध रहने वाले हैं। यानी चेन्नई के फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी फाइनली आ चुकी है क्योंकि यहाँ पे मोइन अली और सैम करन ये दोनों खिलाड़ी फाइनली आने वाले हैं इंडिया नहीं बल्कि यूएई आने वाले हैं। वहां पे आईपीएल होने वाला है और वहां पे चेन्नई के कैंप का हिस्सा रहने वाले हैं, आईपीएल 2021 के बचे हुए मुकाबले खेलने वाले हैं और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे इन्हें चैंपियन भी बनवा सकते हैं क्योंकि ये खुशी काफी बड़ी है। खासकर चेन्नई के फैंस काफी ज्यादा खुश हुए हैं क्योंकि इनकी एक ही तलब थी कि ये दोनों खिलाड़ी आईपीएल खेले। मैं लगातार बोल रहा था कि ये दोनों खिलाड़ी आईपीएल खेलेंगे और ये मेरी जो खबर है वो फाइनली सच हो चुकी है। क्रिकेट धमाल का जो प्रोजेक्शन था वो यहाँ पे सच हो चुका है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये दोनों खिलाड़ी आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये पॉसिबल हुआ कैसे। तो ये जो सीरीज होने वाली थी आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे जो आईपीएल का क्लैश होने वाला था और इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश के सीरीज का क्लैश दोनों के बीच में हुआ था लेकिन अब फाइनली जो इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश की जो सीरीज थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। अब काफी लोग कहेंगे कि आखिर उसे पोस्टपोन क्यों किया गया। सबसे बड़ी यहाँ पे दो बड़ी खबर थी, मैंने आपको सब चीजें बताई थी। पहली चीज यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि इंग्लैंड और इंडिया का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है वहां पे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को और इतने पैसे में ये इस सीरीज को अफोर्ड कर रहे हैं और इस तरीके से इनके जो मुनाफा होने वाला है वो दुगना हो चुका है। दुगने मुनाफे के साथ यहाँ पे ये सीरीज को पोस्टपोन किया गया। और दूसरी चीज है लालच। अब आपको मैंने ये भी कहा था कि जो आईपीएल तो होने वाला है दुबई में यूएई में और टी20 वर्ल्ड कप भी जो होने वाला है वो भी यूएई में होने वाला है, यानी कि ये दोनों चीजें क्लैश कर रही हैं और बीसीसीआई यहीं पे माइंड गेम खेल गया था। यहाँ पे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिख दिया था कि आप आइए अपने खिलाड़ियों को, जो जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं इन्हें यूएई भेजिए, वहां पे क्वारंटीन बिताएंगे, उसके बाद हमारे बायो बबल पे वो आपके बायो बबल में सिक्योरिटी चली जाएगी और उसके साथ ही आईपीएल भी हमारा हो जाएगा और आपके खिलाड़ी इस पिच को, ये जो रहने वाली यूएई की जो धरती रहने वाली है उसे भी अच्छे से परख लेने वाले हैं जिसका फायदा आपको टी20 वर्ल्ड कप में देखने को मिलने वाला है। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी और इन सभी चीजों को देखते हुए ये सभी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी फाइनली रहने वाले हैं और यहाँ पे चेन्नई को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मोइन अली और सैम करन काफी धुआंधार पारी खेलते हैं, चेन्नई के लिए लगातार यहाँ पे मुकाबले जिताए थे ये दोनों खिलाड़ी, एक्सपेक्टेड खिलाड़ी हैं। ये दोनों खिलाड़ी नहीं होते तो यहाँ पे चेन्नई को बड़ा घाटा हो सकता था लेकिन अब फाइनली ये घाटा रुक चुका है क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी और साथ में इंग्लैंड के जितने खिलाड़ी हैं वो भारत के साथ, मैंने कुछ वीडियो पहले आपको बताया था कि इंडिया की जब टीम वहां पे चलेगी यूएई के लिए उन्हीं के साथ यहां पे इंग्लैंड की टीम भी चलने वाली है तो काफी लोग कहते हैं ये न्यूज फेक है। अब आप बताइए कि ये न्यूज क्या है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वो चीजें होने वाली है और यही चीज बीसीसीआई प्लान कर रही है उन सभी खिलाड़ियों को यहाँ पे चार्टर्ड प्लेन के मदद से इंडिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को लाया जाएगा, यूएई दुबई लाया जाएगा, वहां पे क्वारंटीन बिताना पड़ेगा, उसके बाद आईपीएल खेलने पड़ेगा और आईपीएल खत्म होने के बाद
ये सभी खिलाड़ी अपने अपने बायो बबल में चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है। यानी आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और गाइस इस वीडियो में मैंने आपको सभी खुशखबरी बता दी है और गाइस फाइनली रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि IPL 2021 के लिए इंग्लैंड के जितने सारे खिलाड़ी थे वो IPL में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। सो गाइस अब फाइनली बात करने वाले हैं दूसरे बड़ी खुशखबरी की और गाइस ये है चेन्नई के कैंप को लेके। अब गाइस यहाँ पे चेन्नई का जो कैंप लगने वाला है, जो सभी टीमें जो UAE के लिए रवाना होने वाली है, वो 15 अगस्त को होने वाली है। हाँ गाइस आज है 3 अगस्त, 15 अगस्त को सभी टीमें जितने भी UAE के लिए जाने वाली है, जो कि चेन्नई का पूरा स्क्वाड रहने वाला है, वो चार्टर्ड प्लेन के मदद से यहाँ UAE जाने वाला है। उसके बाद ये क्वारंटीन पीरियड अपना 5-6 दिन का बिताने वाले हैं। उसके बाद इनका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है। यानी ये बार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार की जो ट्रॉफी है वो चेन्नई के हाथ में आने वाली है, क्योंकि चेन्नई का प्लान इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये आसानी से इस बार चैंपियन बन जाएंगे। सो गाइस फाइनली आप बताइए कि इन सभी खुशखबरी पे आपका क्या बोलना है, क्या अब आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाने वाले हैं, वीडियो को लाइक करने वाले हैं, आपकी जो हो राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। गाइस कल मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मोइन अली और सैम करन के आने के बाद अब फाइनली कैसे चैंपियन बन सकती है चेन्नई। अब गाइस फाइनली बताइए कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे अगले एनालिसिस के साथ।